है, कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे श्रृंखला चल रहा है 3 से 5, 7, 8, 15, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर 31, फिर 26, यहाँ पे क्या होगा ये पूछ रहे हैं। बताए आप सभी स्टूडेंट, कराया गया क्वेश्चन है, एक बार आंसर बताए देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए 3 से 5 हुआ प्लस 2, 5 से 7 हुआ प्लस 2, 7 से 8 हुआ प्लस 1, 8 से 15 हुआ, 8 से 15 हुआ मतलब, 8 से 15 हुआ मतलब प्लस 7, ठीक है। अब 15 से क्या होगा, 31 से 26 हो गया, मतलब क्या दोस्तों बताएं आप सभी स्टूडेंट, -5, यहाँ पे माइनस भी हो गया, ये थोड़ी नए क्रम से बढ़ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं 15 और 31 के बीच कोई एक संख्या दे दे, तो 15 और 31 के बीच 24 है, और क्या है 18 है और 21 है, ये सारी संख्याएं आ रही है, तो सारी संख्याएं आंसर थोड़ी ना होगी, इस आधार पर आंसर नहीं देना है। देखिएगा इस आधार पर आंसर आपको नहीं देना है। देखिए आप सभी स्टूडेंट एक बार देखिए, हम समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करें। जब कभी भी आपको क्लियर ना हो कि बराबर संख्याएं चल रही हैं या घट रही है बढ़ रही है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्रमशः बराबर संख्याएं बढ़ रही है या घट रही है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे एक एक संख्या को छोड़ के देखेंगे, क्या करेंगे एक एक संख्या को छोड़ के, कहने का मतलब है 3 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद 31, इस प्रकार से देखेंगे। तो 3 के बाद 7 का मतलब क्या होता है, 3 दुना के 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 दुना के 14 प्लस 1 15, 15 दुना के 30 प्लस 1 31, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, एक एक संख्या छोड़ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा सीक्वेंस एक चल रहा है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आगे वाला संख्या देखना है जो छोड़े, 5 के बाद 8 मतलब 2 गुना 5 गुना के 10 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए 8 से क्वेश्चन मार्क पे आएगा, 8 दुना के 16 माइनस 2 तो क्या होगा 14, चलिए 14 अगर होता तो इधर भी हम करेंगे गुने 2 माइनस 2, तो 14 दुना का 28 माइनस 2 क्या होगा 26, यानी क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 14 होगा। 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आप सब स्टूडेंट देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है।